कॉपीराइट, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या वीडियो एडिटर हैं तो आपको कॉपीराइट का जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में आपको पता नहीं होता है, आप कहीं से भी गूगल पे जाते हो, जैसे इमेज सर्च करते हो, इमेज सर्च करने के बाद वो यूज करने लगते हो, बट ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हर किसी वीडियो पर, हर किसी चीज पर किसी ना किसी का कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट होता क्या है, किस तरीके से इसको यूज करना है, चलिए सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ विकिपीडिया के आर्टिकल पे। यहाँ पे दिख रहा है अ कॉपीराइट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और ये जो है ये क्रिएटर को ओरिजिनल वर्क करने में हेल्प करती है, या कहते हैं कि ओरिजिनल क्रिएटर को एक ओनरशिप प्रदान करती है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे कॉपीराइट होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा कॉपीराइट है जिसके थ्रू हम किसी और की वीडियो से यूज कर सकते हैं, और क्या हम किसी और की वीडियो से यूज करेंगे तो हमें कॉपीराइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, अगर आप किसी की भी कोई भी चीज हो, अगर आप उसकी बिना परमिशन के यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और यहाँ तक कि कई लोग कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद बहुत बड़ी पेनाल्टी करते हैं। भले ही वो चीज 10 रुपए की हो, लेकिन वो ये कॉमर्शियल करा देते हैं कि आपने अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया है, आपने इससे इतना इतना प्रॉफिट बनाया है, तो वो प्रॉफिट का परसेंटेज ले लेते हैं या प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट ही ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये है देखो, एक ओनरशिप होती है, एलिजिबल वर्क होता है, ओरिजिनलिटी होती है, ये सारी चीज़ों की आप कॉपीराइट्स करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू कॉपीराइट कैसे कराया जाता है, जैसे आपका कोई भी आपने डिज़ाइन करी है, आपने डिज़ाइन करने के बाद अब उसका आप लेकर के गए कि मुझे इसका कॉपीराइट चाहिए, तो फिर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, उसका कॉपीराइट ले लोगे। और इसके अलावा एक कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट नोटिस, लेट्स कम टू फ्री लाइसेंस। अब ये भी कॉपीराइट ही होता है एक, लेकिन ये इसमें क्या होता है, जो मेन ओनर होता है वो अपना ओनरशिप तो रखता है, लेकिन वो ये परमिशन दे देता है कि आप जो हमारी चीज़ है इसको आप फेयर पर्पस से यूज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं ओपन सोर्स लाइसेंस, या कभी आपने देखा होगा CC0 लाइसेंस। तो जब भी कहीं आपको दिख रहा है कि ये CC0 लाइसेंस है, इट्स मीन आप उसको यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो ये होती हैं कि आप उस पर अपना ओनरशिप नहीं बता सकते। जैसे आपने कहा कि चलो ठीक है इसको मैं यूज कर सकता हूं, आपने थोड़ा बहुत एडिट करा, अब आपने कहा नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस डिजाइन, तो ऐसा नहीं होता है, आपको ओनरशिप उन्हीं की रहेगी। हाँ, आप इससे पैसे बना सकते हो, कस्टमर को भेज सकते हो, कस्टमर को भेजने के बाद जो कस्टमर यूज करना चाह रहा है वो यूज भी कर सकता है, किसी और को भी भेज सकता है, सारी चीजें कर सकता है। बट यहाँ पे जो मेन ओनर रहेगा वो ओनर वही रहेगा जिसने अपनी सारी वीडियोस वगैरह आपको दे रखी हैं। तो ये किस तरीके से फाइंड करना, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर पे आइए, जो भी आपको चाहिए, जैसे मुझे सपोज करो मुझे डॉग की इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे डॉग टाइप करता हूँ, देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक इमेजेस का टैब दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस दिख रही है, बट सारी इमेजेस आप यूज नहीं कर सकते हो ड्यू टू कॉपीराइट, अभी हम लोग देख चुके हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, आप इस पे आइए, टूल्स पे क्लिक करिए। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर दिख जाते हैं, आप साइज के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, आपको कौन सी साइज चाहिए, छोटा बड़ा, कलर्स के हिसाब से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिल रहा है यूजर लाइसेंस। यूजर लाइसेंस में यहाँ पे है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस एंड कॉमर्शियल एंड अदर लाइसेंस। अभी यहाँ पे अगर आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस करोगे तो फोटोज कम हो जाएंगी, लेकिन इन सारे की सारी फोटोज को आप अपने कॉमर्शियल के काम के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स आपको दिख रही है आप एक बार जरूर चेक जरूर कर लें। फिर भी जैसे ये जो इमेज दिख रही है ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस है, अगर मैं इस पे विजिट करता हूँ तो विजिट करने के बाद यहाँ पे मुझे इसका सारी चीजें दिख जाएंगे। ये इमेज थी मे बी, चलो इसी को मैं ओपन कर लेता हूं। यहां पे आपको दिख रहा होगा CC0 लाइसेंस जो मैंने आपको बताया था, तो ये चीज आप देख लीजिए। अब देखो CC0 लाइसेंस में क्या होता है, आप इनकी इमेजेस को यूज भी कर सकते हो, और यूज करने के बाद आपको क्रेडिट भी नहीं देना है। क्रेडिट मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी की इमेजेस यूज करी तो आपको वहां पे बताना होगा, जैसे अगर आप कहीं पे फ्लेक्स वगैरह बना रहे हो तो फ्लेक्स के नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि इस इमेज का सोर्स कहां से आया हुआ है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि सोर्स इमेज लिख के आता है, या जैसे आप अपने YouTube चैनल पे कोई वीडियोस यूज कर रहे हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देना है कि वीडियो यूज्ड फ्रॉम दिस वेबसाइट, और वेबसाइट मतलब फ्रॉम दिस वेबसाइट की जगह पे लिंक डाल ली है, ये चीज रहती है। लेकिन अगर CC0 लाइसेंस आपको मिला हुआ है देन आपको कुछ भी नहीं करना है,
जस्ट इसको आप यूज करिए, आपको क्रेडिट देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो कोई इशू नहीं है। तो ये CC0 लाइसेंस होता है, तो ये चीज आप एक बार देख ले। और लगभग यहाँ पे जितनी भी इमेजेस होंगी ना, सारी ही CC0 लाइसेंस होगी। जैसे इस पे चलते हैं, ये है और ये पिक्सल्स पे शो कर रहा है, तो पिक्सल्स की ऑब्वियसली वो सारी इमेजेस ही CC0 रहती है। ये है और यहाँ पे देखो फ्री डाउनलोड, ओरिजिनल साइज डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पे एक सेकेंड लाइसेंस नहीं दिखा रहा है, तो लाइसेंस ये है। यहाँ पे चलते हैं, हम नीचे आते हैं, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि किस किस काम के लिए आप यूज कर सकते हो, किस किस काम के लिए नहीं यूज कर सकते हो। ऑल फोटोस पिक्सल आर फ्री, एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड मीन CC0 लाइसेंस। और इसके बाद नीचे आते हैं, क्या क्या आप नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और भी सारी चीजें हैं, इनको आप देख सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और फ्री में यूट्यूब का प्रीमियम कोर्स चाहिए तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट से लर्न कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लो। बाय।